Hello everyone, this is Jurisprudentia. Thank you for wanting to know more today than you did yesterday. Today we are going ahead with our topic, Introduction to Jurisprudence, Lecture 2. We will start with the meaning of the jurisprudence and what is meant by jurisprudence. So, and you will also be able to know from here I have chosen the name of the channel of my YouTube, the Latin term for the word jurisprudence. So let us start. So as I can earlier told all of you that jurisprudence cannot be defined. So keep that in mind. Okay. So first thing is, it is well known, ye common knowledge hai. सबको पता होना चाहिए कि जूरिस्प्रूडेंस जो है नॉलेज ऑफ लॉ को कहते हैं, कि किसी भी कानून का ज्ञान जूरिस्प्रूडेंस कहलाता है. लेकिन पहले लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसलिए ये डिफिनीशन वैलिड नहीं है. बट हमको कोई मीनिंग तो चाहिए, एक वर्ड की कोई मीनिंग चाहिए, इसलिए हम इसको मीनिंग एज अ मीनिंग मान के चल रहे हैं कि कानून का ज्ञान, लॉ का नॉलेज को जूरिस्प्रूडेंस हम कहते हैं. सेकेंड थिंग, ये जूरिस्प्रूडेंशिया टर्म से डिफाइन होता है. जो मैंने आपसे कहा, इस चैनल का नाम जो मैंने रखा है वो इस टर्म के कारण रखा है, यहाँ से डिराइव किया है मैंने. जो डिराइव होता है दो वर्ड से, ज्योर और जूरिस, जिसका मतलब होता है लॉ और लीगल, और प्रूडेंशिया, जिसका मतलब होता है स्किल या नॉलेज. ये दो वर्ड जूर और जूरिस से और प्रूडेंशिया, दो वर्ड को मिला के ये वर्ड बना है जूरिस्प्रूडेंशिया. जूरिस्प्रूडेंशिया, जिसको लैटिन में हम जूरिस्प्रूडेंस को जूरिस्प्रूडेंशिया कहते हैं, और ये लॉ और नॉलेज दो वर्ड को मिला के इसको डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड से. तो ये हमारा क्लियर हो गया सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज, इट इज़ द स्किल ऑफ लॉ, ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ. जनरल नोशन ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ इज द नॉलेज ऑफ स्टेचुटरी प्रोविजन्स एंड जुडिशियल डिसीजंस. तो यहाँ पे ध्यान देना है कि क्यों ये सही नहीं है, क्यों ये डिफिनीशन गलत साबित हो रही है, क्यों ये मीनिंग गलत साबित हो रही है. ये मीनिंग इसलिए गलत साबित हो रही है क्योंकि इसको हमने बोल दिया नॉलेज ऑफ लॉ. नॉलेज ऑफ लॉ से क्या समझेंगे, कि हम किसी कंट्री का, मान लीजिए इंडिया का, स्टेचुटरी प्रोविजंस, जैसे हमारा आईपीसी, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, या जो भी हमारा पब्लिक या प्राइवेट लॉज हैं जिससे हम गवर्न हो रहे हैं, जिससे ह्यूमंस गवर्न हो रहे हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम पूरा गवर्न हो रहा है जो रूल से, और या फिर जब कोर्ट के डिसीजन आ रहे हैं जो एज ए प्रिसिडेंट, या फिर किसी मैटर में जो डिसीजन आ गया कि हाँ ये सही है, किसी का राइट वायलेट हुआ, किसी का नहीं हुआ, उसमें डिसीजन आ गया, तो हम सोचते हैं इस मीनिंग से कि वो लॉ है, जो प्रोविजन बनाए गए हैं और कोर्ट जो डिसीजन दे रहा है, हम ये सोचते हैं कि वो लॉ है. लेकिन द एक्सप्रेशन जूरिस्प्रूडेंस इज नॉट कन्फाइंड टू लीगल प्रोविजंस एंड कोर्ट डिसीजन, इट एम्ब्रेसेस मच मोर. ये जो ये और भी कुछ इंक्लूड है इसमें, इस कारण से और भी बहुत कुछ इंक्लूड है, सॉरी टू से, कि और भी बहुत कुछ इसमें ऐसा इंक्लूडेड है जो कि नॉर्मल लीगल प्रोविजंस और जुडिशियल डिसीजन से अलग है. इसलिए नॉलेज ऑफ लॉ मीनिंग देने से प्राइमा फेसे ही सिर्फ यही समझ में आता है कि जुडिशियल डिसीजंस या लीगल प्रोविजन, जो कि जूरिस्प्रूडेंस की सही डिफिनीशन नहीं है. और पहले भी मैंने कहा है, जूरिस्प्रूडेंस कैन नॉट बी डिफाइंड. ऑल्सो मियर नॉलेज ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स एंड एडजुडिकेटरी प्रोस्टुलेट्स इज जूरिस्प्रूडेंस नहीं हो सकता. ये नहीं हो सकता है कि मियर केवल लीगल प्रिंसिपल के नॉलेज और एडजुडिकेशन का प्रोसेस के बारे में हम जान जाएं तो हम जूरिस्प्रूडेंस को जान गए, हम ये नहीं कह सकते हैं. डिफाइनिंग द वर्ड जूरिस्प्रूडेंस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबिलिटी.
बिकॉज ऑफ द एम्बीवेलेंट नेचर. इसका नेचर इतना एम्बीवेलेंट है. एम्बीवेलेंट इसलिए कह रहे हैं, एम्बीवेलेंट इसलिए कहा जा रहा है मोस्टली बिकॉज एम्बीवेलेंट का आप मतलब देखेंगे कि ये कई क्षेत्रों में काम करता है, कई क्षेत्रों में काम करता है. जैसे कि आप इंसान हैं, देर इज अ ह्यूमन, आप देर इज अ ह्यूमन, देर इज अ ह्यूमन, ठीक है, और सिस्टम और एन ऑर्गेनाइजेशन, ये किस तरीके से काम करेंगे, क्या क्या इनको कंडक्ट फॉलो करना चाहिए, ठीक है, ये डिसाइड कौन करेगा, लॉ करेगा, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस. लेकिन वो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस आएंगे कहाँ से, कैसे पता चलेगा कि ये इस इंसान के लिए सही है या इस सोसाइटी के लिए सही है, क्या इस ऑर्गेनाइजेशन को ये फॉलो करना चाहिए. उसके बिहाइंड द सीन्स में जब हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ ये एम्बीवेलेंसी आ रही है अलग अलग तरीके से. जैसे कि इसीलिए ज्यूरिसप्रूडेंस में कई सोशल साइंसेज इंक्लूडेड हैं, जैसे कि सारे सोशल साइंस है, ये फिलोसफिकल एस्पेक्ट भी देखता है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी देखता है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी देखता है और कल्चरल एस्पेक्ट भी देखता है. ये सारे एस्पेक्ट देखने के बाद ये जो लॉ बनेगा, जो ये लीगल प्रोविजंस के बारे में जो हम बात कर रहे थे, ये बनेगा, इनके पीछे क्या दृष्टिकोण रहा है, क्या पर्पज रहा है, क्या सरकमस्टांसेज रहे हैं, क्या पोजिशन रही है उस सिचुएशन में, क्या उस पॉलिटिकल कंसीडरेशंस उसमें लिए गए हैं, क्या कल्चरल कंसीडरेशंस लिए गए हैं, क्यों इस तरीके से होना चाहिए, ह्यूमन को क्यों फॉलो करना चाहिए, कैनिबलिज्म क्यों गलत होना चाहिए. एक मतलब छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, हम आईपीसी में पढ़ते हैं कल्पेबल होमोसाइड हम पढ़ते हैं, ठीक है, कि कैनिबलिज्म टू किल समवन, कि क्यों किसी को मारना गलत है, उसके पीछे का ज्यूरिसप्रूडेंस क्या है, किसने ये बनाया और क्यों बनाया कि किसी को मारना गलत है. इसके पीछे जब हम जाते हैं, आपने तो लेट डाउन कर दिया कि हाँ किसी को मारना गलत है. इट इज़ नॉट राइट, इट इज़ नॉट इन लॉ टू किल समवन. ओके, वो अलग बात है, देयर आर डिफरेंसेज ऑन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस यू हैव टू किल समबडी समथिंग, वो अलग एक ज्यूरिसप्रूडेंस का पार्ट हो गया. लेकिन जनरल लॉ यही है कि आप किसी को मार नहीं सकते हो. तो इस लॉ को बनाने से पीछे जब ये लेजिस्लेचर ने पास किया, नोटिफाई किया ऑफिशियल गजट में, इसके पीछे जब उसमें डिस्कशन हुआ, उसके पीछे तो उस डिस्कशन के पीछे भी क्या था कि हम जब आए इस संसार में तो एक इंडिविजुअल आया तो क्या क्या हुआ जो इस कंडीशन पे ले आया कि आप दूसरे किसी को जान से नहीं मार सकते, ह्यूमन बीइंग को, ठीक है. तो मोटा मोटा ये समझाने का, ये तो इसलिए एम्बीवेलेंट नेचर है बहुत ज़्यादा ज्यूरिसप्रूडेंस का. आगे बढ़ते हैं, मैं बहुत ज़्यादा उसमें चला जाता हूँ एग्जांपल्स में तो थोड़ा लेक्चर लेट हो जाता है, तो लेकिन ज़रूरी भी है, अगर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है तो उसको इतना मोटा मोटा ज्यूरिसप्रूडेंस के बारे में जानना भी ज़रूरी है. इसलिए मैं इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में जाता हूँ, अदरवाइज मैं ये इतना ही बता के आपको छोड़ देता हूँ. नेक्स्ट हम आते हैं एम्बीवेलेंट नेचर कैसे है. एम्बीवेलेंट नेचर होने के कारण, ठीक है, इसका इसको डिफाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, एम्बीवेलेंट नेचर होने के कारण, ठीक है, ये हमने देख लिया एम्बीवेलेंट नेचर क्यों है, क्योंकि ये कई सोशल साइंसेस से रिलेटेड है, एक ह्यूमन के डूइंग और नॉट डूइंग से रिलेटेड है, कि जब इंसान आया इस धरती पे तो उसके बाद वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी, और भी दूसरे लोग उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, वो सारा कुछ डिफाइन करता है ज्यूरिसप्रूडेंस. इसीलिए इसका नेचर एम्बीवेलेंट हो जाता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है सोसाइटी पे, वो डिपेंड करता है पॉलिटिकल नेचर पे, वो डिपेंड करता है साइकोलॉजिकल मेंटालिटी ऑफ अ पर्सन. तो ये कितनी सारी सोशल साइंसेज इसमें इंक्लूड हो गई, तो इसलिए इसका नेचर जो है एम्बीवेलेंट होता है. ज्यूरिसप्रूडेंस वॉज डिफाइंड एंड रीडिफाइंड बाई नॉट ओनली ज्यूरिस बट ऑल्सो बाई एक्सपर्ट्स इन अदर डिसिप्लिन.
लाइक पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी बिसाइड अदर। जैसे मैंने कहा कि बार बार इसको डिफाइन किया गया, फिर रिडिफाइन किया गया, फिर डिफाइन किया गया, ना कि सिर्फ लॉ से रिलेटेड फील्ड से रिलेटेड लोगों के द्वारा, बल्कि अदर फील्ड से भी रिलेटेड लोगों के द्वारा जो अदर सोशल साइंसेस के हैं, लाइक पॉलिटिकल साइंस से हैं या सोशियोलॉजी से जो रिलेट करते हैं या कल्चरल से रिलेट करते हैं या फिलोसफिकल से रिलेट करते हैं या साइकोलॉजी से रिलेट करते हैं, इन सब लोगों ने कोशिश किया है ज्यूरिसप्रूडेंस को डिफाइन करने का, लेकिन सब फेल हुए हैं क्योंकि इट कैन नॉट बी डिफाइंड इफ इट इंक्लूड एवरीथिंग फ्रॉम योर बीइंग। मतलब कि तुम आप इंसान बन के, आप इंसान एक आए इस धरती पर, अब इसमें हर एक चीज इंक्लूड कैसे कर दिया जाए, ठीक है, और उसको डिफाइन कर दिया जाए कि दिस डूज एंड डोंट्स डिफाइन कर दिया जाए, यू कैन नॉट डिफाइन, इट विल डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस। तो उसी के बिहाइंड द सीन्स में ज्यूरिसप्रूडेंस काम करता है। दियर अप्रोच टू सब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्टिव वर लार्जली फैसिलिटेटेड बाई इट्स ओन अनसर्टेन नेचर। उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश किया लेकिन अनसर्टेन नेचर होने के कारण उन्होंने पूरी तरीके से डिफाइन नहीं कर पाए, ज्यूरिसप्रूडेंस के अनसर्टेन नेचर होने के कारण। द ओनली थिंग दैट इज सर्टेन इज इट मोर देन मियर नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। कि एक चीज जो एकदम निश्चित है ज्यूरिसप्रूडेंस के बारे में कि ये सिर्फ नॉलेज ऑफ लॉ नहीं, ये सिर्फ कानून का ज्ञान नहीं, ये सिर्फ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस का ज्ञान नहीं है, ये पक्का यकीन से कहा जा सकता है क्योंकि ये इतने सारे सर्कमस्टांसेस से ये डील करता है, इतने सारी पॉसिबिलिटीज से ये डील करता है कि सिर्फ एक प्रोविजन जो बना दिया गया है लेजिस्लेचर के द्वारा उसको हम कह दें कि ये ज्यूरिसप्रूडेंस है, हम इसको नहीं कह सकते हैं, ठीक है। इट जनरली कंसीडर दैट इज कंसर्न विद सर्टनिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ विच लॉ इज फाउंडेड। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि लॉ जो बनाया गया वो किस के बेसिस पे बनाया गया, उसके पीछे का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, क्या परिस्थितियां या क्या पोस्टुलेट्स आए जो इस नतीजे तक लाने में मजबूर किए कि ये लॉ होना चाहिए, ये प्रोविजन बनाना चाहिए। क्या ऐसी स्थिति आई कि ये नियम बनाना पड़ा कि टू किल समवन इज रॉन्ग, टू किल समवन इज नॉट राइट बाय लॉ। क्या ऐसी परिस्थिति आई कि वो कानून बनाना पड़ा? तो बिहाइंड द सीन्स, मतलब मैंने पहले लेक्चर में जैसे बताया था कि बिहाइंड द सीन्स में, व्हेन वी आर गोइंग बिहाइंड द सीन्स ऑफ द लॉ, देन वी आर टॉकिंग अबाउट ज्यूरिसप्रूडेंस। लग्जरी दी, ये सब्जेक्ट जो है लग्जरी नहीं देता है डिफाइन करने का और प्रिसीजन का। मतलब कि जैसे कि साइंस में होता है या किसी भी चीज़ में होता है, मैथ्स में होता है कि 2+2=4 होते हैं, 2+2=4, 2+2=4, तो ये मैथ्स नहीं है। आप ऐसे ज्यूरिसप्रूडेंस को मत कंसीडर करिए कि आप इसको प्रिसीजन से बता पाएंगे या इसको समझ पाएंगे या इसको डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं। हाँ, दो पर्सपेक्टिव रखे गए हैं ज्यूरिसप्रूडेंस को डिफाइन करने के लिए। दो पर्सपेक्टिव जो हैं वो हैं कि एन ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस मस्ट बिगिन विद टेकिंग नोट ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन इट्स नेचर। कि इसके नेचर के डिफरेंट पर्सपेक्टिव को हम ध्यान में रखें कि ज्यूरिसप्रूडेंस का नेचर क्या है, उसके नेचर को ध्यान में रखें कि या क्या क्या सब्जेक्ट्स को इंक्लूड कर रहा है, ठीक है, और उस उन पे क्या क्या पर्सपेक्टिव है। ये दोनों चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें तो पर्सपेक्टिव और नेचर, तो हम समझ जाएंगे, तो हम ज्यूरिसप्रूडेंस को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ज्यूरिसप्रूडेंस साइंस है, कुछ ज्यूरिस के द्वारा कहा गया है, और ज्यूरिसप्रूडेंस नॉलेज है। दो पर्सपेक्टिव ज्यूरिसप्रूडेंस के ऊपर दिया गया है, ज्यूरिसप्रूडेंस एज साइंस एंड ज्यूरिसप्रूडेंस एज नॉलेज, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। ज्यूरिसप्रूडेंस एज साइंस किसने किसने कहा है?
पहले तो हम साइंस को समझ लेते हैं कि साइंस किसे कहते हैं। साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड नॉलेज, एक नॉलेज का सिस्टमाइजेशन है जिसपे हम कॉज एंड इफेक्ट से पता करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। जैसे कि बारिश हुई तो आप भीगोगे, ठीक है, आप मारोगे तो ये प्रॉब्लम होगी, किसी को आप किसी का राइट वायलेट करोगे तो ये प्रॉब्लम होगी, एज ए ह्यूमन बींग आप कुछ करते हो तो ये सिचुएशन आ सकती है, ये कॉन्सिक्वेंस आपको वो झेलना पड़ेगा या भोगना पड़ेगा। तो साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड नॉलेज ऑन सब सब्जेक्ट, ठीक है, एंड विच इज रिलेटेड टू कॉज एंड इफेक्ट, कि ये कॉज है, ये कॉज है तो ये इफेक्ट हो सकता है। तो इसमें ये 4-5-6 जूरिस्ट ने डिफाइन किया है, हॉलैंड ने डिफाइन किया है कि ये फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ है। ये डिफिनीशन आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी जुडिशरी में ये इसका डिफिनीशन पूछ लेता है कि हाउ जूरिस्प्रूडेंस इज डिफाइंड बाय सम जूरिस्ट, तो इसलिए ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, अदरवाइज इट इज़ नॉट नेसेसरी, क्योंकि सबका कहना है कि साइंस ऑफ जस्टिस न्याय के का विज्ञान, जैसे बिल कह रहे हैं न्याय का विज्ञान, क्लार्क का कहना है कि साइंस ऑफ लॉ इन जनरल, कि इन जनरलिटी जो लॉ है उसकी साइंस, उसके बिहाइंड पीछे क्या सिस्टमाइज्ड नॉलेज है उसको जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। ऐसे ही सालमन कहते हैं द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। सिविल लॉ का क्या मतलब है? सिविल लॉ मीन करता है कि रूल्स विच आर मेड टू अप्लाइड बाई कोर्ट्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। मतलब कि यही पॉजिटिव लॉ के बारे में ये भी कह रहे हैं कि एक लॉ बनाया गया है लेजिस्लेचर के द्वारा जो कोर्ट के द्वारा अप्लाई किया जा सकता है जस्टिस को एडमिनिस्टर करने के लिए। तो सालमन का भी मैंने अभी डिफाइन करने की कोशिश किया, और फिर एलन ने डिफाइन करने की कोशिश किया द साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ द एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ का मतलब है जैसे जस्टिस हो गया, इक्विटी हो गया, गुड कंसाइंस हो गया, जैसे सीपीसी में हम रेस जुडिकाटा कहते हैं, रेस जुडिकाटा हो गया, तो ये सब एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ हैं कि हाँ ये बहुत दिनों से कस्टम के रूप में एसेंशियल प्रिंसिपल्स बन चुके हैं जिनको आप फॉलो करना जरूरी है, और उसके बिहाइंड उस पर रख के अगर हम किसी को लॉ को बनाएंगे तो वो बेटर तरीके से उसी के साइंस को हम लॉ कहेंगे। और इन्होंने ग्रे ने भी ऐसे डिफाइन किया द साइंस ऑफ लॉ द स्टेटमेंट एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द रूल्स फॉलोड बाय कोर्ट्स एंड द प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन दोज रूल्स। ये भी सब लोग सेम बात कह रहे हैं बिहाइंड द सीन्स वाली, जो साइंस से डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कॉज एंड इफेक्ट से। अब क्या साइंस है? हम जूरिस्प्रूडेंस एज अ साइंस तो बोल रहे हैं, लेकिन साइंस में क्या इंक्लूड किया जा रहा है जिससे हम इसको जूरिस्प्रूडेंस से रिलेट कर पा रहे हैं? साइंस इंक्लूड्स एनी सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट साइंस जो है इंक्लूड करता है सिस्टमेटाइज नॉलेज को, कि आप एक सिस्टम है नॉलेज का, ठीक है, किसी सब्जेक्ट के ऊपर, उसके अंदर बौद्धिक तरीके से जानकारी हासिल करना, बहुत गहन अध्ययन करना, ये कह सकते हैं आप गहन अध्ययन करना, उसको साइंस कहते हैं। जूरिस्प्रूडेंस इज कंसर्न विद द सिस्टमाइज नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ लॉ, ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस जो है सिस्टमाइज नॉलेज को बौद्धिक जानकारी लॉ के बारे में डील करता है, वही बिहाइंड द सीन्स, तो इसीलिए हम इसको साइंस कह रहे हैं। इट मे बी रिगार्डेड एज अ साइंस, इसको साइंस कहा तो जा सकता है, लेकिन काफ़ी लोग इसको फॉर्मल साइंस नहीं मानते, कि ये सत्यतः साइंस नहीं हो सकता, जैसे कि बाकी फिजिकल साइंस है, जैसे कि सारी
फिजिकल साइंसेज हैं, जैसे कि हम बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स हिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हम जैसे पढ़ते हैं, उस तरीके की साइंस को नहीं कहा जा सकता कि उस तरीके का साइंस है, बट इट इज अ साइंस। तो एंड ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इज सेम एज साइंस इन जनरल, जैसे सारे साइंस का एंड सेम होता है वैसे ही जूरिस्प्रूडेंस का एंड भी सेम है, जैसे कि स्ट्रक्चरिंग एंड सिंथेसाइजिंग कि कैसे बना रहे हो, क्या कॉज रहा है और क्या इफेक्ट होगा, जैसे आप किसी को मार रहे हो तो क्या मारने पे क्या परिणाम होगा, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उसके बारे में आप डील कर रहे हो। एक एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि कॉज एंड इफेक्ट इसमें भी आप डील करने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए इसको साइंस की तरह मानने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये एज ए फिजिकल साइंस नहीं है, एकदम फॉर्मली इसको फिजिकल साइंस हम नहीं कह सकते। दूसरा, जूरिस्प्रूडेंस एज नॉलेज, जूरिस्प्रूडेंस एक ज्ञान भी कई जूरिस ने कहा। प्रूडेंस मीन्स विजडम विच कम्स फ्रॉम नॉलेज, लीगल नॉलेज इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म जूरिस्प्रूडेंस, कि लीगल नॉलेज, यहाँ लॉ के बारे में नॉलेज नहीं, लीगल नॉलेज, लीगल इज अ ब्रॉड टर्म, लॉ इज मतलब कंबाइंड, मतलब उसको उसी में समा जाता है प्रोविजंस में या जुडिशल डिसीजंस में, लेकिन लीगल कहने का मतलब है किसी चीज़ को अगर आप लीगल कर रहे हैं तो आप बिहाइंड द लॉ की बात कर रहे हैं, और उसके बारे में नॉलेज होने को हम जूरिस्प्रूडेंस कह रहे हैं। मेनी जूरिस अटेम्प्टेड टू स्टेट द एम्पलीट्यूड ऑफ जूरिस्प्रूडेंस फ्रॉम द नॉलेज पर्सपेक्टिव, काफ़ी सारे जूरिस अदर देन दोज विच आई हैव टोल्ड अर्लियर जिन्होंने साइंस कहा, उनके अलावा जो बहुत सारे जूरिस्ट हुए उन्होंने इसको लीगल नॉलेज कहा कि ये लीगल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से जूरिस्प्रूडेंस को देखना चाहिए। नेक्स्ट, दीज ऑब्जर्वेशन फॉर मेड अल्पियन, सबसे पहले अल्पियन आते हैं, अल्पियन वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन, तो ये आप हमेशा याद रखें, नॉलेज ऑफ थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन द साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, ये कहते हैं कि चीज़ों का ज्ञान, मनुष्य का ज्ञान, डिवाइन जो नहीं जाना जा सकता, जो डिवाइन है जैसे गॉड और समथिंग, उसका नॉलेज, और साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट कि क्या सही है और क्या गलत, इन सब के नॉलेज को हम जूरिस्प्रूडेंस कह सकते हैं। अल्पियन ने ये बोला, जी डब्ल्यू पैटोन ने कहा, ए पर्टिकुलर मेथड ऑफ स्टडी नॉट ऑफ द लॉ ऑफ वन कंट्री बट ऑफ द जनरल नोशंस ऑफ लॉ इटसेल्फ, जैसे पैटोन की डिफिनीशन सही साबित हो रही है, जैसा कि हम समझ रहे हैं कि किसी नेशन, कोई नेशन ने जो लॉ प्रोविजंस बना लिए, कोई कोड बना दिया कि दिस इज लॉ, उसके बारे में ये बात नहीं करता, ये जनरल नोशन के बारे में बात करता है, एसेंशियल प्रिंसिपल्स के बारे में, जैसे कि पीछे एलन ने कहा कि एसेंशियल प्रिंसिपल्स क्या हैं, किस जस्टिस, गुड कंसाइंस, इक्विटी, ये सब कहाँ से आए, तो ये सब जो मोटे मोटे प्रिंसिपल्स हैं जिन पे बेस करके आपने लॉ बना दिया, हम उसको जूरिस्प्रूडेंस नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं किसी प्रोविजन को, उसके पीछे का बेसिस क्या था, जनरल नोशन क्या है जिससे सारे गवर्न हो रहे हैं, नॉट ओनली द पीपल ऑफ इंडिया, ऑल द स्टेट्स, ऑल द मतलब वर्ल्ड स्टेट्स आर गवर्न बाय दोज प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल, दैट इज कॉल्ड जूरिस्प्रूडेंस। स्टोन का कहना है, लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन, कि लॉयर जो एग्जामिन करते हैं आइडियाज टेक्निक्स ऑफ द लॉ इन द लाइफ डिराइव फ्रॉम प्रेजेंट नॉलेज इन डिसिप्लिन्स अदर देन लॉ, जैसे कि लॉयर जो होता है वो जो है किसी प्रोविजंस को जब इंटरप्रेट करके जज के सामने प्रस्तुत करता है तो वो कोशिश करता है सारे चीज़ों को उसके ध्यान में लाया जा सके कि वो परिस्थितियाँ क्या हैं, जैसे कि सबरीमाला जजमेंट में सारी परिस्थितियाँ सामने में आई कि हाँ राइट टू वुमेन है टू गो टू टेंपल फॉर द वुमेन, उसके पास राइट है आर्टिकल 15 में, ठीक है, और एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी भी है आर्टिकल 17 में, लेकिन क्या उनका कस्टम भी है, तो कस्टम मतलब सोसाइटल इंटरफेरेंस, तो अब सोसाइटी आगे बीच में, सोशल कंडीशन आगे बीच में, तो ये अलग से सोशल साइंस को इंक्लूड कर दिया लॉयर ने।
लॉयर ने अलग से सोशल साइंस को इंक्लूड कर दिया, तो इसीलिए कह रहा है ये लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन है। स्टोन का कहना है कि लॉयर जिस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं अदर डिसिप्लिनस को मिला के, अदर सोशल साइंसेस को मिला के, उस सरकमस्टांसेस में, उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में, तो उसको जो है हम ज्यूरिसप्रूडेंस कहते हैं। नॉलेज एज ऑफ व्हाट, नॉलेज ऑफ व्हाट, अब हम कहेंगे कि नॉलेज ऑफ व्हाट, नॉलेज दैट इज एम्फसाइज एट द कोर ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस इज द स्टडी रिलेटिंग टू लॉ, लॉ से रिलेटेड जो नॉलेज पे एम्फसाइज किया जाए उसको हम नॉलेज कहेंगे ज्यूरिसप्रूडेंस के बारे में। Abstract principles, not the knowledge of the concrete principles of the law. Abstract principles, मतलब कि कोई concrete principles नहीं है कि ये होगा तो ये ही होगा, no, उसके आगे पीछे की कई चीज़ें परिस्थितियाँ देखते हुए, इसीलिए abstract कह रहे हैं कि कोई ये mathematics नहीं है कि 4+4 is equal to 8, no, इट इज़ नॉट मैथमेटिक्स, ये अब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स हैं, ये एक कंडीशन में अप्लाई किया जा सकता है, एक कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हो, ये नहीं कि एक कॉन्क्रीटली कि किसी ने मार जान से मार दिया तो अब उसके पीछे आप रीजन में नहीं जा रहे हो, आप डायरेक्ट सजा सुना दे रहे हो, बढ़िया 302 गो टू यू नो डेथ पेनल्टी, नो, you are going through all the psychological, social aspect and what happened then, what is the behind the law and what led to that conclusion, मतलब उस समय क्या उन्होंने गुस्से में कर दिया, क्या एकदम सडन में हो गया, उन सबका आईपीसी में जैसे हम पढ़ेंगे कि सडन में किए गए को थोड़ा पनिशमेंट कम हो जाती है और पनिशमेंट कैसी होनी चाहिए, रिफॉर्मेटिव होनी चाहिए कि यू नो अलग अलग तरीके से पनिशमेंट को भी डिफाइन किया गया है, तो इन सब के बारे में जो अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है उसको हम लीगल सिस्टम में उसको हम ज्यूरिसप्रूडेंस कहेंगे। नॉलेज ऑफ एनालाइजिंग एंड सिस्टमेटाइजिंग the essential elements underlying the legal rules without specific reference to the institution of law of any nation's jurisprudence. एक ये कह रहे हैं कि किसी नेशन पे मत जाइए, जैसे कि शुरुआत में ही कहा कि किसी नेशन के स्टैचू पे मत जाइए कि हाँ उस नेशन में तो भाई इस तरीके से होता है तो इस तरीके से, ये जनरल नोशन कि हाँ ह्यूमन को कैसे गवर्न किया जाए, a human, how a human or system or society should be governed, ये परिस्थिति के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, आज नहीं तो कल अलग परिस्थिति आएगी, अलग तरीके का वो आएगा, तो उस पर जो जनरल नोशंस काम करते हैं कि नॉट टू किल एनीवन, अभी तक तो जनरल नोशन यही रहा है इन एवरी सोसाइटी कि किसी को भी मारना गलत है, तो ये एक जनरल नोशन हो गया, उस पर काम करना, ना कि किसी एक पर्टिकुलर नेशन के स्पेसिफिक रेफरेंस दे देना कि हाँ ये हमको ये हम फॉलो करेंगे क्योंकि ये नेशन ये फॉलो कर रहा है, नो, हाउ इज द कंडीशन इन योर सोसाइटी एंड व्हाट इज द जनरल नोशन, यू कंबाइन बोथ एंड देन मेक अ लॉ, देन वी विल से दैट वी आर लर्निंग अबाउट द ज्यूरिसप्रूडेंस। It is a knowledge of law as well as knowledge relating to law. Its theory, basis, concepts and tools. तो ये आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि इसके पीछे की थ्योरी क्या है, नॉलेज में हम क्या क्या सीखते हैं लॉ के, कि थ्योरी क्या है, इसका बेसिस क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और कौन कौन से टूल्स यूज़ करके हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि ये लॉ होना चाहिए। Jurisprudence therefore was described as eye of the law, grammar of the law. जैसे मैंने कहा था मछली की आँख है, दूसरी तरह ये कह रहे हैं कि ये eye of the law है, मछली की आँख है, इसको भेद लिया तो सारा महाभारत समझ में आ जाएगा, आपको law समझ में आ जाएगा, इसीलिए jurisprudence को पढ़ना important है। Next, jurisprudence का aim क्या है, टू फोल्ड है, पहला है टू प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द बेसिस ऑफ फाउंडेशन ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स एंड जुडिशियल डिसीजन, कि एक बेसिस प्रोवाइड करता है फाउंडेशन बनाने के लिए कि लीगल प्रोविजंस और जुडिशियल डिसीजन के बिहाइंड द सीन्स में क्या था, इसके बिहाइंड में हम जाएंगे, जैसे कि सांस लेने का अधिकार है,
जिंदा रहने का अधिकार है, राइट टू लाइफ जैसे फंडामेंटल राइट में दिया है, तो ये इसलिए नहीं दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लेट डाउन हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ लोग बैठ के ये डिसाइड किए कि हाँ इसको सांस लेने का अधिकार होना चाहिए, ये इसलिए नहीं हुआ। ये बाई बर्थ ये नेचुरल प्रिंसिपल्स हैं। और ये नेचुरल प्रिंसिपल्स कैसे हैं, ये हम नेचुरल लॉ स्कूल में जाएंगे तब हमको पता चलेगा कि ये नेचुरल है कि सबको जिंदा रहने का अधिकार है। इस दुनिया में हम पैदा हुए तो हमको जिंदा रहने का अधिकार है। तो उनके बिहाइंड द सीन्स जो भी लीगल प्रिंसिपल लॉ लेट डाउन कर दिया आपने आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन वो आपने लेट डाउन कर दिया आपकी वजह से हमको नहीं मिला है। इट इज़ नेचुरल टू माई एग्जिस्टेंस, मतलब मैं हूँ, यही एक सबूत है कि मुझे सांस लेने का अधिकार है, ना कि आपने प्रोवाइड किया है, ये मेरे यहाँ होने का ही मेरा अधिकार है। ठीक है, तो उसके पीछे जाना, प्रोविजंस के पीछे जाना, फाउंडेशन में जाना, इसको ज्यूरिसप्रूडेंस। द सेकंड इज टू एनालाइज लीगल कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्डर टू कंसीडर व्हाट द लॉ इज, लीगल कॉन्सेप्ट्स को एनालाइज करना कि लीगल कॉन्सेप्ट जो भी आ रहे हैं, जैसे राइट है, ड्यूटीज़ है, हमारी ड्यूटीज़ क्या है, पॉलिसीज़ क्या है, जो भी बन रहा है, जो भी लॉ है, जैसे कि कोई भी प्रिंसिपल है लॉ का, तो उसके बारे में हमको नॉलेज, उसका एनालिसिस करना, ठीक है, नॉलेज लेके, और ये जानना कि एक्चुअल में क्या है लॉ, लॉ है क्या, और व्हाट लॉ ought to be can be known, और लॉ क्या हो सकता है ये जानना। एक तो लॉ है, उसके बिहाइंड द सीन्स जाके देखना कि ये लॉ क्यों है, और हम इसको बेटर बनाने के लिए इसको और क्या जानकारी हासिल कर सकते हैं, इसको हम, ये दोनों इम्पोर्टेंस है ज्यूरिसप्रूडेंस का, ये दोनों चीज़ों के बारे में ये बताता है। इस एनालिसिस, इस तरीके की अगर एनालिसिस हम करेंगे तो ये बेसिस बनता है, फाउंडेशन बनता है, एमर्ज द बॉडी ऑफ रूल्स एक्सप्रेस बाय द लॉ इन अ गिवन सोसाइटी। जब हम इन सब पे काम करेंगे तो हम कोई रूल लेट डाउन करने के सहयोगी या हम इस रूल्स को मानने या जानने लायक होंगे, जिसको हम आज की सोसाइटी में लॉ कहते हैं। तो मोटा मोटा बिहाइंड द सीन्स ये साइंस भी है, नॉलेज भी है, साइंस क्योंकि ये सिस्टमाइज नॉलेज के बारे में बात करता है, और नॉलेज इसलिए क्योंकि ये बिहाइंड द सीन्स जानने की कोशिश करता है, तो ये दोनों है। तो ये इंट्रोडक्शन टू ज्यूरिसप्रूडेंस पार्ट टू था। अब इसके बाद हम हो सकता है इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ स्टार्ट करें, अदरवाइज फ्रॉम द नेचुरल लॉ ऑफ द ग्रीक और रोमन। तो मेरा मानना है कि पहले हम इंडियन कॉन्सेप्शन से देख लेते हैं कि वैदिक पीरियड में कैसे इंडियन लॉ का डेवलपमेंट हुआ, और क्योंकि रोमन और ग्रीक के पहले भी, रोमन और ग्रीक के जो नेचुरल लॉ हैं जो आजकल के एंग्लो अमेरिकन ज्यूरिसप्रूडेंस में फॉलो होते हैं, उनसे भी पहले कोई लॉ अगर था तो हमारे वैदिक टेक्स्ट में वो धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम अदर स्कूल्स, नेचुरल स्कूल, पॉजिटिव स्कूल, अदर स्कूल्स में जाने की कोशिश करेंगे। होप आपको समझ में आया हो जो भी मैंने कोशिश किया है। बाकी आप, मैंने बताया है सालमन नॉन ज्यूरिसप्रूडेंस, आप वो बुक रेफर करते रहिए। थैंक यू सो मच।